So, Asus send me its Asus ROG G531G laptop for review purpose. और ये इस चैनल का अब तक का सबसे महंगा रिव्यू यूनिट है. इस लैपटॉप को रिव्यू करते हैं कि गेमिंग लैपटॉप है. इस वीडियो को शुरू करते हैं इस इंट्रो के साथ. तो गाइज अब बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं. इस लैपटॉप के कई सारे वेरिएंट है, जैसे कि आपको प्रोसेसर वेरिएंट है, ग्राफिक कार्ड वेरिएंट है, इवन आपके हार्ड डिस्क का भी वेरिएंट अलग अलग आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिसका मॉडल नंबर जरा सा चेंज हो जाता है. तो मेरे पास जो लैपटॉप है वो है Asus का ROG Strix G531G लैपटॉप है. और इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो आपको इसमें 16GB ऑफ रैम देखने को मिलती है, जिसके साथ में आपको 1TB ऑफ SSD देखने को मिलती है. हालांकि जो हार्ड डिस्क और SSD वाले वेरिएंट है वो कई सारे अवेलेबल है आपको. और जो मेरे पास ग्राफिक कार्ड वाला वेरिएंट है वो 8GB ऑफ ग्राफिक कार्ड विथ निविडा का RTX 2070, जो कि अब तक का लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है. तो इसकी कई सारी स्पेसिफिकेशन है, जिसको अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लायक में. तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर पूरी इसकी बाइंग लिंक और इसके सारे इन्फो चेकआउट कर सकते हैं. और इसकी और कुछ बात करूं तो आपको इसमें 15.6 इंच का आपको इन फ्रंट डिस्प्ले देखने को मिलता है. विद जो डिस्प्ले है वो 240 हर्ट्ज पे है और 3ms की स्क्रीन है. तो आपको यानी जितना भी अगर गेमिंग करते हैं तो आपको जो प्रोसेसिंग मिलेगी ऑन स्क्रीन पे वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगी और सभी जिटरनेस टाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा. बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो बॉक्स कंटेंट में आपको बेसिक चीज़ें मिलती है जो कि आपको बाकी लैपटॉप में मिलती है. इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको कुछ भी दी गई है. सबसे पहले आपको इसमें कुछ पेपर मैनुअल ये सब चीज़ें मिलती है और एक समथिंग कुछ क्लिप देखने को मिलती है, वो मुझे नहीं पता क्या है वो. साथ ही साथ में आपको इसमें इसमें चार्जर देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको पावर केबल देखने को मिलती है. इसके साथ आपको एक कीचेन Asus ROG का और Asus Aura की आपको एक लाइटिंग का सिंक देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. तो गाइज अब बात करते हैं इस लैपटॉप के ओवरव्यू की. तो लेफ्ट साइड की बात करूं तो आपको इसमें 3 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ में आपको इसमें एक ऑडियो पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 3.5mm ऑडियो पोर्ट है. इसके राइट साइड की बात करूं तो आपको राइट साइड में इसका एक कूलिंग देखने को मिल जाती है. साथ साथ आपको इसमें Asus Aura की देखने को मिल जाती है. और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो बैक साइड में भी दी गई है, जैसे कि आपको ईथरनेट पोर्ट, टाइप सी पोर्ट और चार्जिंग का पोर्ट. और साथ ही साथ में आपको एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है बैक साइड में. और उन दोनों के आसपास में आपको कूलिंग विंडशील्ड देखने को मिल जाती है, जिससे आपका लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है. नीचे की बात करूं अगर लैपटॉप के डाउन साइड की, तो आपको 4 रबर पैडिंग देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा कूलिंग वाला एरिया देखने को मिलता है, यानी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है. साथ ही साथ आपको 3 लेयर में, यानी राइट लेफ्ट एंड डाउन लेयर्स में, आपको Asus की RGB टाइट्स देखने को मिलती है. और उसी के साथ में आपके जो लाइट्स हैं उसके ऊपर में लेफ्ट और राइट साइड में आपको स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिसके जो इसके स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, पंची और बैस और सारे जितने भी लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. तो इस लैपटॉप के बारे में बताने में बहुत कुछ है, यानी इतने सारी चीज़ें हैं कि सब एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता, और अगर मैं बनाने जाऊँ भी तो आधे घंटे करीबन तक का वीडियो बन सकता है. तो पॉइंट पे आके बात करता हूँ कि ये लैपटॉप किस यूज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए है. तो क्लियरली बताता हूँ, ये लैपटॉप है गेमिंग पर्पज़ के लिए. आप इसमें एडिटिंग ये सब इतना यानी आप एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके उसके डाउन साइड भी मैं आपको आगे बताऊँगा. तो मेनली ये उन गेमर्स के लिए जो कि जिनके पास PC नहीं खरीद सकते, या फिर वो एक जगह गेमिंग नहीं करना चाहते, बैठ के अलग अलग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे ले जाके वहाँ पे गेम खेलना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए लैपटॉप है. हालांकि हर गेमिंग लैपटॉप उसके लिए रहता है. तो इसके कुछ स्पेशल फीचर की बात करूं तो वो है इसका Asus Aura, जो कि एक मेन फीचर है इसका. काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है. तो मेनली मैं आपको बताता हूं ये होता क्या है. तो Asus Aura के जो ये आपको मैग्नेट दिख रहा है, तो ये क्या करता है कि आपके जो Asus के ROG PC या फिर ऐसे अलग अलग जितने भी लैपटॉप्स है उसको सिंक करने में मदद करता है लाइटिंग को. हालांकि वो मदरबोर्ड हो, डिस्प्ले हो, या फिर ऐसे कोई ग्राफिक कार्ड हो, उन सब की लाइटिंग और ये सब सिंक करने में आपको मदद कर देता है. तो यानी ऑन द गो आप जस्ट प्लग इन करेंगे और आपकी सेटिंग सिंक हो जाएगी.
तो मेनली ये लैपटॉप गेमिंग पर्पज़ के लिए है, तो मैंने इसको गेमिंग के लिए ही ट्राई करा, टेस्ट करा है। तो मैंने इसका, मेरे इतना बजट तो है नहीं कि मैं पबजी पीसी खरीद सकूं, तो मैंने पबजी पीसी लाइट और ऐसे फार कराए, और साथ ही साथ मैं एपेक्स जैसे गेम मैंने इसमें ट्राई करे हैं। पबजी पीसी लाइट की बात करूं तो मेरे को अनप्लग्ड में समथिंग अराउंड 100 to 160 FPS मेरे को मैक्सिमम देखने को मिल रहे थे, और मिनिमम 120 FPS देखने को मिल रहे थे, और स्क्रीन में ज़रा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्क्रीन है हर्ट्ज़ की। और ये 160 मेरे को फ्रेम देखने को मिले जब मैंने प्लग इन करके रखा था अपना चार्जर, लेकिन जैसे अगर मैंने प्लग इन हटा दूंगा, अगर मैं चार्जर हटा दूंगा तो समथिंग अराउंड मेरे को 80 to 90 फ्रेम्स देखने को मिलती है पर सेकंड में। यही अगर मैं एपेक्स की बात करूँ तो एपेक्स में भी मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, वो 100 FPS का मैक्स गेम है, तो उसमें भी समथिंग अराउंड अगर आप प्लग इन चार्जिंग करते हैं तो आपको 90 FPS देखने को मिलते हैं, जो कि उस गेम के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ये गेमिंग लैपटॉप है तो यार RGB तो होना बनता ही है। तो इस लैपटॉप के जो बैक पैनल है उसमें भी आपको ASUS के रोग का यानी आपको लोगो देखने को मिलता है जो कि लाइट अप रहता है। आपके जो कीबोर्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट अप है, जिसका मैकेनिकल फीचर है काफ़ी अच्छा है, यानी मैकेनिकल टाइप आपको फील देता है। और साथ ही साथ में आपको आप इसका जितने भी लाइटिंग्स है कीबोर्ड की, वो आप अपने पर्सनलाइजेशन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, यानी कि आपको जो कलर रखना हो, जिस टाइप का कलर रखना हो, स्टार फीलिंग रखनी हो, रेनबो, आप जैसा करना चाहें वैसे आपको इसमें कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इवन आप आपके म्यूज़िक और बीट्स पे भी आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, और आप अपने गेम्स के हिसाब से इसके ऑरा लाइटिंग को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसमें आपको नम पैड देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें आपको जो टच पैड है उसी में ही आपको नम पैड देखने को मिला है, जो कि अगर आप जैसे कि आपके दूसरे ASUS लैपटॉप्स में रहता था कि आप राइट साइड में 2 सेकंड प्रेस करेंगे तो आपका जो टच पैड है वो नम पैड में बदल जाएगा और आप वहीं से ही नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर गेमिंग के वक्त हीटिंग की इशू की बात करूँ तो मुझे ज़रा से भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिली। हाँ, लैपटॉप है, थोड़ा तो गर्म होगा ही होगा, और साथ ही साथ में इसमें आपको टर्बो कूलिंग और ऐसे बैलेंस कूलिंग आपको फीचर देखने को मिलता है, जो कि आप अपने एडेप्टिव के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका वर्क हाई लोड वाला है तो आप इसकी चीज़ें को बड़ा यानी टर्बो पे रख सकते हैं, अगर आप मीडियम वर्क है तो बैलेंस कर सकते हैं, और इसका अगर आप बिल्कुल बेसिक वर्क करें तो आप इसका जो बूस्टर है कूलिंग एरिया वो आप उसको साइलेंट पे रख सकते हैं, जिससे आपका जो कूलिंग फैन है वो बिल्कुल ही साइलेंटली वर्क करेगा। तो ओवरऑल ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा सही है, पावर पैक लैपटॉप है। और अब मैं बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग की, तो ये जो वाला जो मेरे पास वेरिएंट है 16GB रैम और 2070 ग्राफिक कार्ड वाला, वो इंडिया में मिलना बहुत ज़्यादा इन्हें मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, और मुझे ऑनलाइन में भी दिक्कत हुई है ढूंढने में। तो इसके जो बैक जो बॉक्स है उस पर जो प्राइसिंग लिखी हुई है वो समथिंग अराउंड 227,990 रुपीज़ लिखी गई है, यानी समथिंग अराउंड 2 lakh something rupees का ये लैपटॉप है। और ये वाला वेरिएंट में ट्राई करूँगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की। तो अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो इस बजट में इसकी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा मस्त मिल जाती है यार, आपको 240Hz का रेशो मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और पबजी खेलते वक्त में आपको समथिंग अराउंड 160 FPS मिलने ही वाले हैं बिल्कुल अल्ट्रा सेटिंग्स पे, PC हो या फिर कोई सा भी हो, आपको काफ़ी अच्छा FPS देखने को मिलने वाले हैं। इसका जो RGB फीचर है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है, जो कि लोअर लाइटिंग है, और जिससे आपका जो गेमिंग फील है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट जो मुझे इसका प्रो लगा है वो है इसका टर्बो कूलिंग फीचर, जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ASUS जैसे जितने बाकी लैपटॉप्स में आता है, यानी कि अगर आपका हाई इन्हें बिल्कुल ज़्यादा इंटेंसिव गेम है तो आप उसको टर्बो पे रख सकते हैं और लैपटॉप को कूल रख सकते हैं। इसमें आप ऐसे कई सारे गेम खेल सकते हैं जिसकी आप FPS 240-300 ऐसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि CS:GO, और ऐसे कई सारे गेम्स हैं जिनकी मैं आपका लिंक इन्हें आपको मेंशन कर दूंगा नेम्स डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके प्रोस तो समझ आ ही गए होंगे, लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो इसका जो एक फर्स्ट कॉन मुझे लगा है वो इसकी लाइटिंग का कॉन, जो कि ओरा सिंकिंग का जो कॉन लगा है मुझे, वो है कि इसकी जो जितनी भी सेटिंग्स है वो कभी कभी गायब हो जाती है, लिटरली गायब हो जाती है, और कई कई किसी किसी लैपटॉप में ये सिंक नहीं हो पाता है। और मेरा एक दोस्त है, उसने लैपटॉप परचेस करा था तो उसकी जो लाइटिंग है वो लाइट अप नहीं हो रही थी, तो उसने जाके रिप्लेस करवाया इस लैपटॉप को। तो इसका जो मेन कॉन है लाइटिंग का वो है कि इसकी जितनी भी सेटिंग्स रहती है, जैसे ASUS रोग लाइटिंग की और हर्ट्ज की सेटिंग्स और विंडोज़ की सेटिंग्स, ये सब गायब हो जाती है ASUS के रोग में। तो गाइस सेकंड कॉन की बात करूँ तो इसमें कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, जो कि कैमरा कार्ड स्लॉट है, क्योंकि अगर आप गेमर भी होंगे तो यार आपको कैमरा कार्ड स्लॉट चाहिए रहता है, तो उसके लिए आपको अलग से टाइप सी कनेक्टर लाना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता है। तो इसमें कम से कम कार्ड कनेक्टर तो देना, कार्ड पोर्ट तो देना ही चाहिए था।
बैटरी बैकअप जो है इसका थर्ड कौन है जो कि इतना खास नहीं है, हालांकि बाकी सारे एसूस के गेमिंग लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी आपको हैवी गेमिंग पे भी 1.5 आवर तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है गेमिंग में, बिल्कुल अल्ट्रा सेटिंग्स पे, तो वो यार ठीक है, लेकिन काश और आप ये एक्सटेंड हो सकता। तो मैंने जैसे आपको बोला था इसको रिव्यू करना थोड़े मिनट्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं इसको रेटिंग करके बता देता हूँ। तो मैं इसको रेटिंग करना चाहूँगा, डिज़ाइन को मैं 4.5 रेटिंग देना चाहूँगा, गेमिंग परफॉर्मेंस को मैं 4.8 समथिंग की रेटिंग दूँगा, बैकलीट जो लाइट्स है वो मुझे इम्प्रेसिव लगी लेकिन इतनी नहीं, तो मैं इसको 3.2 की रेटिंग देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। और ओवरऑल ऑफर जो करता है प्राइस के अकॉर्डिंग उसके अराउंड समथिंग अराउंड 4 रेटिंग में इसको देना चाहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें बताने लायक है और इसके स्पेक्स और अलग अलग काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जितना भी हो सकता है मेरे हिसाब से देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में कह सकूंगा, पीस।